एक नई बिरादरी सामने आई और वो है आंदोलन जीवी। ये शब्द विपक्षी नेताओं के सीने में खंजर की तरह क्यों चुभ रहा है, ये भी आज हम आपको समझाएंगे। देश में कोई भी आंदोलन चल रहा हो, ये सरकार के विरोध का झंडा लेकर वहां पहुंच जाते हैं। आंदोलन जीवी होना बुरी चीज नहीं, किसी भी लोकतंत्र में इनकी पहचान सम्मानित तरीके से नागरिक प्रहरी के तौर पर होनी चाहिए। तो ये आप भी आंदोलन जीवी हो? हाँ सर, आंदोलन जीवी हूँ मैं, इसको कहने में मेरे को गर्व भी है। देश में हर दिन एक नया मुद्दा लोगों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करता है। जहां एक तरफ किसान आंदोलन सुर्खियों में है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री का भाषण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 फरवरी को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए विपक्ष पर कई बार तंज कसा। इसी बीच उन्होंने आंदोलनकारियों को एक नया नाम दिया है, वह आंदोलन जीवी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में एक नया समुदाय आंदोलन जीवी पैदा हो गया है, जिसे हर विरोध प्रदर्शन में देखा जा सकता है। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे, एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके ढूंढो बता देते हैं, देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको। और ये उनकी ताकत है, उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीज़ें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। अब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस आंदोलन जीवी का जिक्र करने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा है, जहां विपक्षी दल उन्हें याद दिला रहे हैं कि जब वे विपक्ष में थे तो कैसे आंदोलन होते थे। इस मुद्दे को लेकर गोदी मीडिया में भी चर्चा देखने को मिली, लेकिन गोदी मीडिया मोदी जी की तारीफ करता ही नजर आया। जी न्यूज के पत्रकार सुधीर चौधरी ने अपने शो DNA में आंदोलन जीवी शब्द पर टिप्पणी की और आंदोलन जीवी लोगों की आलोचना करते नजर आए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को एक नया शब्द दिया है, एक नए शब्द से आपका परिचय करवाया है और वो शब्द है आंदोलन जीवी। इस शब्द के पीछे प्रधानमंत्री की सोच क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये शब्द विपक्षी नेताओं के सीने में खंजर की तरह क्यों चुभ रहा है, ये भी आज हम आपको समझाएंगे। आपको याद होगा DNA में हमने आपको राजनीति के राजा बाबू की कहानी सुनाई थी। हमने आपको बताया था किस तरह कुछ चेहरे, कुछ नेता देश के हर आंदोलन में दिखाई पड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने आज इसी प्रजाति के लिए एक नया शब्द दिया है और वो शब्द है आंदोलन जीवी। ये वही राजनीति के राजा बाबू हैं जो हर आंदोलन में कभी किसान बन जाते हैं, कभी ये डॉक्टर बन जाते हैं, कभी ये वकील बन जाते हैं, कभी ये मजदूर बन जाते हैं, कभी ये किसी खास वर्ग के अल्पसंख्यक बन जाते हैं। आपको ये सिंघू बॉर्डर पर भी दिखाई देंगे और आपको ये बाकी जगहों पर भी दिखाई देंगे। न्यूज 18 के पत्रकार भी आंदोलन जीवी शब्द पर टिप्पणी करते नजर आए और आंदोलन जीवी लोगों की आलोचना करते नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री मोदी ने एजेंडाधारी प्रदर्शनकारियों पर जोरदार प्रहार किया। PM मोदी ने कहा कि बुद्धिजीवी सुना था, लेकिन कुछ लोग आंदोलन जीवी हो गए हैं। देश में कोई भी आंदोलन चल रहा हो, ये सरकार के विरोध का झंडा लेकर वहां पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी और इनसे बचकर भी अब रहना होगा। इसलिए आज आर पार के विश्लेषण में हम इनकी पहचान और इनका एजेंडा दोनों आपको बताएंगे। साथ ही विदेशी प्रोपेगेंडा पर वार करते हुए PM मोदी ने कहा कि आप लोगों ने FDI के बारे में तो सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक नया FDI इस बीच हमारे सामने आया है और इसका मतलब है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी।
तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या आंदोलनजीवी हानिकारक है? आज का आर पार इसी पर। इसके अलावा लोग ट्विटर पर आंदोलनजीवी शब्द को लेकर बातें करते नजर आए। पेशे से लेखक और कवि डॉक्टर मीना कंदासामी ने प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद ट्विटर पर अपने नाम के आगे आंदोलनजीवी लगा लिया। आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कुछ साल पहले आंदोलन को लेकर किए गए ट्वीट्स शेयर किए और इसके कैप्शन में लिखा ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवानी ने भी आंदोलनजीवी को लेकर ट्वीट किया। मेवानी ने अपने ट्वीट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो आंदोलन में अगुवाई करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि महज सत्याग्रह में असली आंदोलनजीवी डॉक्टर अंबेडकर जैसे आंदोलनजीवी बनो। आंदोलनजीवी के मुद्दे पर एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी टिप्पणी की। आंदोलनजीवी होना बुरी चीज नहीं है, किसी भी लोकतंत्र में इनकी पहचान सम्मानित तरीके से नागरिक प्रहरी के तौर पर होनी चाहिए। जिलाधिकारी को बकायदा सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए कि आपने आंदोलन में हिस्सा लिया है। मान लीजिए आप एक सजग नागरिक हैं, आप महंगाई के विरोध में होने वाली रैली में भी जाते हैं, वकीलों के आंदोलन में भी जाते हैं, छात्रों के आंदोलन में भी जाते हैं, क्या आप आंदोलनजीवी परजीवी हैं? आप उस आंदोलन को और जीवंत करने जाते हैं या वहां इसलिए जाते हैं ताकि उस आंदोलन में आप जी सकें? इन आंदोलनों में लाठी और पुलिस केस के अलावा क्या मिलता है? आखिर कोई क्यों इसके लिए आंदोलनजीवी परजीवी बनना चाहेगा? राजनीतिक रैलियों में पैसे देकर लोग बुलाए जा सकते हैं, लेकिन किसी आंदोलन में आप खुद से चले जाएं, हर आंदोलन में चले जाएं, तो आंदोलनजीवी परजीवी। आंदोलनजीवी शब्द पर किसानों की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। किसानों ने इस शब्द की आलोचना की और इसको गलत बताया। जीवी कहा है, आंदोलनजीवी कहा है। अगर सरदार भगत सिंह आंदोलनजीवी थे तो हम भी हैं। अगर देश में क्रांतिकारी जिन्होंने आंदोलन करके देश को आजादी दिलवाई, वे आंदोलनजीवी थे तो हम भी हैं। अगर ये जो शहादत हुई है किसानों की, आंदोलनजीवी थे तो हम भी हैं। तो ये आप भी आंदोलनजीवी हो? हाँ सर, आंदोलनजीवी हूँ मैं। इसको कहने में मेरे को गर्व भी है, मैं आंदोलनजीवी हूँ। और ये बीजेपी वाले ये आंदोलनजीवी नहीं है, लेकिन आंदोलनजीवियों की वजह से ही ये देश बचा हुआ है। उन्हीं की वजह से हमें आज़ादी मिली है। उससे पहले मतलब लगातार जो आंदोलन चल रहे हैं, उसके बाद ही इस देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया कि हम आंदोलन कर सकते हैं। नेता योगेंद्र यादव ने भी प्रधानमंत्री को आंदोलनजीवी शब्द पर घेरा और उन्हें अपना वक्त याद करने को कहा जब वे खुद आंदोलन किया करते थे। और जब कांग्रेस सत्ता में हुई करती थी, जिस कांग्रेस को आप इतना प्यार करते हो, जिसके बारे में हर 5 मिनट में कुछ बोल देते हो, जब कांग्रेस सत्ता में थी ना यूपीए, तो पेट्रोल के सवाल पे आप आंदोलन करते थे। देश में रुपए की कीमत 50 पार हो गई डॉलर के मुकाबले में, इस पे आप आंदोलन किया करते थे। और शिक्षा पे और पता नहीं किस किस चीज़ पे आंदोलन किया करते थे। तब आंदोलन अच्छा होता था, आज आंदोलन खराब हो गया। चलो अभी की बातें तो छोड़ दीजिए, चलो आप कहोगे ये तो विपक्ष में खेल किया करते थे, थोड़ा और याद दिलाऊं मोदी जी आपको, एक जयप्रकाश आंदोलन हुआ करता था, आप अपने अपने जीवनी में बड़ा गर्व से उसका जिक्र किया करते हो कि आप उससे जुड़े रहते थे, बड़े लोग थे वो तो। एक नवनिर्माण आंदोलन भी होता था मोदी जी, याद है, जिससे आप अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बताते हो, सच्ची है झूठी है मैं नहीं जानता, आप खुद ही बोलते हो। देश की आजादी में आंदोलनकारियों का बड़ा योगदान रहा है, जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने आंदोलनजीवी कहकर कटाक्ष किया है। आशा है प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के नेता आंदोलन कर रहे किसानों की मांगों पर ध्यान देंगे और 3 महीने से चल रहे रोष धरने को समाप्त करने के लिए योग्य कदम उठाएंगे। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।